लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी ठीक है। हाँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मंजले भैया, ओके डिलीवरी एकदम टाइम पर पहुंचेगी, बिल्कुल एकदम टाइम पर पहुंचेगी। ये तो वही चिड़िया है जिसने मुझे चोंच मारने की कोशिश की थी। जाने मन, उस दिन तूने मेरी इज्जत उतारी थी ना, आज मैं तेरी नथ उतारूंगा और सरेआम द्रौपदी की तरह तेरा चीरहरण करूंगा, चीरहरण करूंगा। समझ गई? अक्रम टाइगर, कम हियर। हेलो। ये लड़की बचकर भागने ना पाए। साइड मिला। अरे हमसे बचकर कहाँ जाएगी? अरे तुझे पकड़ना तो पागल हो गया हाथ का। छोड़ मुझे। अब आइए ना पकड़ना। बड़ी भर भर रही थी चिड़िया, बड़ी भर भर रही थी। हाँ, बोल, बोल चोच मारेगी, चोच मारेगी, चोच मारेगी। हाँ, बोल। छोड़ मुझे। भैया मोटरसाइकिल से कोई अपना पीछा कर रहा है। रतन, कमती कर दे साले को। आ छोटे भैया, कमती करता हूं। That's okay. Yeah.
आप ये जैकेट पहन लीजिए। एजेंडे में कहा था सर, आपके लिए कॉन्फ्रेंस बाहर पीएम गार्डन में रखी गई है। यह कॉन्फ्रेंस आप सबके लिए है। आप जो कुछ सीएम साहब से पूछना चाहते हैं एक एक करके पूछ सकते हैं। सर आपने अपने एजेंडा में कहा था कि एक देश एक कानून, लेकिन सर यहाँ तो मुस्लिम लॉ, माइनॉरिटी लॉ, हिंदू बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर एक ही देश में लागू कैसे होगा ये कानून? सर आप ही बताइए। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप ही जवाब दीजिए। सिवाय हमारे देश के किसी और देश में दो तरह के कानून हैं। लेकिन सर क्या हमारे मुस्लिम भाई किसी भी तरह मुस्लिम लॉ को हटाने के लिए राजी हो जाएंगे? हम उन्हें समझाएंगे कि यह काम उनके फायदे के लिए किया जा रहा है। अभी तक उन्हें समझाया नहीं गया बल्कि उकसाया गया है, भड़काया गया है। सर आपने कहा था कि जो व्यक्ति भीख मांगकर अपना पेट भरता हो उसे आपके राज्य में बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सर तो आप क्या चाहते हैं, हमारे देश में भिखारियों की लाइन लग जाए? तो क्या सर उनकी नसबंदी कर दी जाएगी? आप खुद सोचिए, जो आदमी खुद भीख मांगकर अपना पेट भरता हो वो अपने बच्चों का क्या भविष्य बनाएगा? और अगर हमारे देश के बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? सर जनता के लिए कोई संदेश है? जनता का संदेश मैं जनता को 15 अगस्त के दिन दूंगा। जय हिंद। ए, ए, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। ए आंटी हाथ छोड़। ए, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमने इतने छापे मारे लेकिन अभी तक हमें जटाशंकर और बांके के बारे में कुछ पता नहीं चला। Where the hell are they? मैडम मेरे ख्याल से तो वो एक होम मिनिस्टर डांगे के यहाँ छुपा हुआ होगा, वरना इतने छापे मारने के बाद तो वो हमें जरूर मिलता। दम है तुम्हारी बात में गौतम, मैं अभी सीपी साहब से डांगे के बंगले का सर्च वारंट लेके आती हूँ। सर सुनिए, मैडम तो गई सर्च वारंट लेने, मैं क्या करूं? सबके लिए चाय मंगाओ। हाँ साहब। साहब कुलकर्णी मैडम है क्या? नहीं वो बाहर गई हैं। क्या खबर लाओ मुझे बताओ। अरे साहब चापलूस ने मुझे ऐसी खबर दी कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या हुआ? जटाशंकर बिहारी जो है ना हाईवे नंबर 9 से भागने वाला है व्हाइट गाड़ी में। Come on, let's go. Fast, quick.
कौन? रामू? अरे जरा जटाशंकर जी को फोन देना। क्या कहा? बाहर गए? ओफो भरका भेजी। Take his body for postmortem. That's me. Hey, Bajita! Abey, kahan hai maruke tara? Arey, hat sasura! Marenge tu goli! Hat sasu mein kahan hai sabra? ताकि साहब हमरा भाई जटाशंकर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, तुमरे रहते हुए ये सब कैसे हुआ? अरे मैं क्या करता जयशंकर बाबू, मैं थोड़ी था वहां। अरे तुम होते तो कहां होता, शराब पीने से तुमको फुर्सत नहीं है, हमरे भाई के मरने का दुख तुमको कैसे होता? दुख तो हमको है जो खबर मिलते ही पहली उड़न चिड़िया से। उड़न चिड़िया यूके आइटम है भाई। अरे पिलेनवा ससुरा, पिलेनवा पकड़ के चले आए, यहाँ आके देखा तो बाके का कौनो ठिकाना नहीं। अरे हम यहाँ है बड़के भैया, बड़के भैया भागे। प्रणाम। आयुष्मान भाव, अरे का हुई गवा छुटके? अरे तोरे रहते हुए का हुई गवा, जब हमने तुमको बिहार से हर हुनर में ट्रेनिंग दिलाकर भेजा था, ये जटाशंकर के साथ हमेशा साई की तरह रहना। अरे मंजले भैया नहीं ना माने हमारी बात, भेज दिया रहे हमको डिलीवरी लेने, और खुद यहाँ अकेले, हमने पीछे हादसा हो गया बड़के भैया। ना ना मुन्ना, ना रो, आप कौनो चिंता की बात नहीं है, आप तोरा बड़का भैया आ गया, बड़का भैया, अब हम पुलिस की नाक में ऐसा नकेल डालूंगा, ससुरा ऐसा नकेल डालूंगा जैसे गांव में पाइलन के डालते। ना 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 जयशंकर बाबू, इस मुख्यमंत्री ने तो वैसे ही नाक में दम कर रखा है, और सफेद पोश बदमाशों के तो वैसे ही हाथों के पीछे पड़ गया है, यूं कह रहे हैं नो क्राइम नो क्रिमिनल, एक देश होगा और एक कानून होगा, और हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही लाठी झांकना चाहे है। पूरी बाप रे, अरे ये तो हमरे लिए और भी फायदा का बात है दागी साहब। अरे हिंदू तो मान भी जाएं, पर मुसलमान चार शादी करे ही करे, हाँ ई का फायदा उठाकर हम हिंदू मुसलमान को लड़वा देंगे, नतीजा खुलकर घमासान युद्ध होगा, और इस युद्ध का फायदा उठाकर हमरे जवान एक एक पुलिस वाले को चुन चुन कर मारेंगे, फिर हमरा राज होगा, हमरा फिर इन पुलिस वालन की ऐसी की तैसी। दंगी सब। छुटके, ये पुलिस वाला कौन है? मंजले भैया का इन्फॉर्मर है बड़के भैया। अरे घनश्याम, तू तीन तीन स्टार वाला पुलिस वाला, अरे तेरे पीछे ऐसा क्या लग गया, तो दौड़ दौड़ के हमारे घर में घुस गया? सब कुछ गड़बड़ हो गया डांगी साहब, सब कुछ गड़बड़ हो गया, पुलिस के पीछे पड़ गई है, डीसीपी साहब को हमारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है, अब नौकरी गई सो गई, जान भी जाएगी। तोरी जान नहीं जाएगी घनश्याम, तोरी जान की हिफाजत हम करूंगा, हम भाई का कुत्ता मतलब हमरा कुत्ता।